नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5G मोबाइल में सिस्टम अपडेट कैसे किया जाएगा। दोस्तों सिस्टम अपडेट जो है समय समय पर आता है और दोस्तों ये ऑटोमेटिक आता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। और जैसे ही आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट आता है तो उसको कर लेना चाहिए। करने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल में जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी और आपका मोबाइल अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो सिस्टम अपडेट आया है तो उसको करने के लिए आपको अपना सेटिंग ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको अबाउट फोन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, तो यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके मोबाइल का जो भी जितना भी अपडेट है, जितना MB/GB का, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा और सबसे नीचे आपको डाउनलोड अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपके यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यह डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो लाइनिंग ब्लू लाइनिंग है ये पूरी हो जाएगी और परसेंटेज 100 हो जाएगा। 100 होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ होने के बाद दोस्तों आपको कोई भी बटन कुछ भी नहीं दबाना है, क्योंकि दोस्तों जो भी होगा ऑटोमेटिक होगा। दोस्तों 10-5 मिनट का टाइम भी लग सकता है। उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच ऑन होने के बाद सक्सेसफुली आपका मोबाइल अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप Redmi Note 12 Pro Plus 5G मोबाइल में सिस्टम अपडेट कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।